हेलो एवरीवन, नमस्कार। सो माय नेम इज रवि। 10th मैंने पढ़ा है सेंट जॉन से और 12th किया है सेंट जेवियर्स कॉलेज रांची से। और 6 to 7 ईयर से आई हैव बीन टीचिंग द स्टूडेंट ऑफ जैक एंड सीबीएसई बोर्ड। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं आपको ये महसूस करा सकूँ कि झारखंड बोर्ड से ना मैं अनजान नहीं हूँ। झारखंड बोर्ड में पढ़े नहीं हम लोग, झारखंड बोर्ड को पढ़ाए नहीं है स्टूडेंट को, झारखंड बोर्ड को ना हम लोग जिए हैं। एक एक बात हम लोग महसूस करे हैं बोर्ड से रिलेटेड। और इस बार का जब रिजल्ट आया ना, जब स्टूडेंट के मैसेज आने लग गए, आप पिछले वीडियो में कमेंट देखेंगे तो आपको महसूस होगा कि स्टूडेंट लोग ना परेशान हैं बहुत सारे चीज़ों से। और सच कहिए तो मुझे भी लगता है कि झारखंड बोर्ड के कार्यविधि में, इसके वर्किंग में बहुत सारा समस्या है जिसको ठीक किया जाना जरूरी है, अर्जेंट है, नीडेड है। एक एक पॉइंट रखेंगे और उस पॉइंट का ना काट नहीं होगा, उसको हम लोग लॉजिक से सपोर्ट करेंगे। जो मेरा लॉजिक होगा ना उसका कोई काट नहीं होगा। और जो स्टूडेंट इस चीज़ से को महसूस कर रहे हैं ना, वो स्टूडेंट आपको कॉमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, स्टूडेंट हैं और आप मेरे इन सारे पॉइंट से एग्री करते हैं, तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा, वीडियो को शेयर करिएगा। और अगर आप गवर्नमेंट टीचर हैं, जैक ऑफिशियल्स हैं और अगर प्रेस में हैं, तो डेफिनेटली हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आपसे जो चीज़ हो सकता है वो चीज़ बिल्कुल कीजिए, क्योंकि ये स्टूडेंट के लिए ज़रूरी है। स्टूडेंट कहाँ जाएंगे, किसको बताएंगे? अभी तो जिन लोगों का रिजल्ट ख़राब हुआ है ना, अगर वो किसी को बोलें भी कि हम अच्छा लिखे थे और मेरा रिजल्ट ख़राब हुआ, कोई नहीं मानेगा। यूजुअली लोग तो ब्लेम कर देते हैं ना, तो सिर्फ वो ये बोल देंगे कि तुम अच्छा नहीं लिखे होगे, तुम्हारा रिजल्ट ख़राब हो गया, अब तुम ब्लेम डालते चल रहे हो जैक पे, इस पे, उस पे। मैं ये नहीं कहता सबका हुआ है, सबके साथ गलत हुआ है, नहीं कहता, बट कुछ लोगों के साथ तो हुआ है, ये 100% श्योर है। मेरे सामने कई स्टूडेंट गुजरे हैं, मैंने उनको देखा है, 2-2 साल तक देखा है। और जब उनका रिजल्ट आया ना, तो वो नहीं आया। और सिर्फ मैं नहीं, स्कूल के भी जो प्रोफेसर हैं, स्कूल के भी जो टीचर हैं, कॉलेज के प्रोफेसर, कॉलेज के टीचर, सबको उनसे उम्मीद थी कि बहुत अच्छा करेंगे। और फिर जब रिजल्ट आता है, तो जो रिजल्ट सामने आया वो एकदम अलग था जो एक्सपेक्टेशन था उससे। और एक्सपेक्टेशन ऐसे ही नहीं था, लिखने के बाद था और ओवरऑल ऑब्जर्व करने के बाद था कि स्टूडेंट अच्छा करेगा। कई कई स्टूडेंट का तो ऐसा हुआ है कि 3-3, 4-4 सब्जेक्ट में बहुत अच्छा है, एक सब्जेक्ट में 12 नंबर, कैसे संभव है? कोई 70 नंबर 80 नंबर ला रहा है 3-3, 4-4 सब्जेक्ट में, एक सब्जेक्ट में 12 नंबर ले लाएगा? एक एक पॉइंट पे बात करेंगे। तो मुझे लगता है कि बहुत सारा पॉइंट है जिसके ऊपर डिस्कस किया जाना चाहिए। अगर आप मेरे इस बात इन बातों से एग्री करते तो कमेंट बॉक्स में आप बिल्कुल अपना इशू लिखिएगा और कोशिश कीजिए कि वीडियो को शेयर किया जाए। सबसे पहला डिस्कशन स्टार्ट करेंगे क्लास 10th से। क्लास 10th का जब रिजल्ट आता है ना, अगर आप रिजल्ट देखेंगे क्लास 10th का, झारखंड बोर्ड का, जैक बोर्ड का, आपको महसूस होगा कि उसमें बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो एकदम नॉर्मल बैकग्राउंड के हैं, उनका परसेंटेज 92-94 ऐसे आ रहा है। तो इसमें क्या गलती है? ज़्यादा ही तो आ रहा है, ज़्यादा आ रहा है ना, तो इसमें दिक्कत ये है कि ऐसे बच्चे सूडो सेल्फ कॉन्फिडेंस से भर जाते हैं। एक सूडो उनमें कॉन्फिडेंस आ जाता है कि नहीं, हमको ये चीज़, हम 90% डिजर्व करते हैं, उसी के हिसाब से लाइफ को प्लान करते हैं, उतना मेहनत नहीं कर पाते और जा करके लास्ट में हताशा होता है, उनको जॉब नहीं मिलता तो उनको हताशा होता है। लोग ना मजाक उड़ाते कि 10th में 92% 94% था और बाद में कुछ नहीं कर पाया, तो इसके लिए जैक कैसे जिम्मेवार है? जैक को जिम्मेवार नहीं कह रहा, इसके लिए ये कह रहा हूँ कि क्वेश्चन का लेवल को इस तरीके से सेट किया जाए 10th क्लास में, और इस तरीके से कॉपी चेक किया जाए कि जो जितना डिजर्व करता है उसको उतना मिले, न कम न ज़्यादा। ज़्यादा मिलना भी ठीक नहीं है, कम मिलना भी ठीक नहीं है, जो जितना डिजर्व करे उतना मिले। कई बार तो ऐसा स्टूडेंट ऐसा देखने को मिला कि नॉर्मल स्टूडेंट का बहुत बढ़िया परसेंटेज आ जाता है, एक अच्छा पढ़ने वाला स्टूडेंट का रिजल्ट नहीं बन रहा है। अच्छा पढ़ने वाला स्टूडेंट जो है वो अंडर कॉन्फिडेंस में है, वो टूटा हुआ है। जो कम पढ़ने वाला स्टूडेंट है वो ओवर कॉन्फिडेंस में गया। 10th में भी इसको इम्प्लीमेंट करने का ज़रूरत है। 10th क्लास से ही इस बात को देखा जाए कि स्टूडेंट ना जो डिजर्व करता वही मिले, न कम न ज़्यादा। अब आते हैं 12th के एग्जाम पे।
झारखंड के कोने कोने से आप इस वीडियो को देख रहे होंगे। आपको ये बात एकदम आप अपने सेंटर पे देखे होंगे कि चोरी होता है झारखंड बोर्ड में, फैक्ट है। हाँ, ये बात मैं बोल सकता हूँ, रांची में बहुत कम में होता है। मैं खुद जेवीएल से पढ़ा हूँ, घोसलर में सेंटर मिला था हमारा, कुछ भी चीटिंग नहीं करने दिया गया था। बेस्ट स्टेप है वो, बहुत अच्छा चीज़ है, नहीं किया जाना चाहिए। जो पढ़ा है वो अच्छा करे, जो नहीं पढ़ा है उस वो अच्छा ना करे, ये रूल है, प्रकृति का रूल है। लेकिन मैक्सिमम जगह पे ना चीटिंग हो जाता है, और जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना, लगभग इतना टाइम तो सबको मिल जाता है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस कर ही लेते हैं लोग, मैक्सिमम जगह पे चीटिंग हो जाता है। तो चीटिंग को तो रोकने के लिए ना एकदम स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाना चाहिए, ये फैक्ट है। स्टूडेंट आपको बताएंगे, कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि चीटिंग हो जाता है, मैक्सिमम जगह पे होता है। कई कई जगह पे स्टूडेंट को टीचर सपोर्ट कर देते हैं, तो टीचर से भी रिक्वेस्ट है कि ये तो मत ही कीजिए आप, गड़बड़ हो रहा है रिजल्ट स्टूडेंट का, इसमें जो पढ़ने वाले लोग हैं उनका दिक्कत हो जा रहा है, चीटिंग नहीं रुक पा रहा है। तो चीटिंग को एकदम स्ट्रिक्टली रोक देना चाहिए। और मेन पॉइंट जिसमें मैं डिस्कशन करना चाहता हूँ, अब आप अगर ये बोल रहे हैं कि स्टूडेंट में गलती है, वो अच्छा नहीं लिखा है, तो अगर उसका रिजल्ट खराब आया, वो अनसेटिस्फाइड है रिजल्ट से, तो आप उसका री इवेल्युएशन क्यों नहीं करने दे रहे हैं? तो बोले करने तो दे रहे हैं भाई, 750 रुपये पे कीजिए, री इवेल्युएशन करा लीजिए। इसको री इवेल्युएशन बोलते हैं, अगर नंबर छूट गया तो उसको ऐड कर देंगे, अगर कोई क्वेश्चन चेक नहीं हुआ तो उसको चेक कर देंगे, ये री इवेल्युएशन थोड़ी हुआ। आप 750 की जगह ना 1500 रुपये ले लीजिए, स्टूडेंट देने के लिए रेडी है, क्योंकि अब उसका अगर खराब परफॉर्मेंस आया, 2 साल के बाद मेहनत किया 2 साल हो, रिजल्ट उसके हिसाब से नहीं आया है, तो वो ना रेडी है 1500 पे करने के लिए, क्योंकि उसका एफर्ट पूरा बर्बाद हो जाएगा। और अगर वो 1500 दे के भी, आप 1500 ले करके भी उसका कॉपी को पूरा प्रॉपर तरीके से रीचेक कर देंगे, तो डेफिनेटली अगर वो इतना कॉन्फिडेंस में है कि ज़्यादा पैसा पे कर रहा है आपको, तो डेफिनेटली वो ज़्यादा नंबर भी लाएगा। री इवेल्युएशन का ना प्रोसेस को चेंज किया जाना चाहिए। री इवेल्युएशन मतलब अगर एक स्टूडेंट री इवेल्युएशन के लिए अप्लाई करता है, तो डेफिनेटली उसका कॉपी को बढ़िया से पूरा प्रॉपर तरीके से चेक किया जाना चाहिए, और जो मार्क्स ना वो डिजर्व करता है उसको दिया जाना चाहिए। मार्क्स कैलकुलेट कर देने से, ऐड कर देने से वो री इवेल्युएशन थोड़ी हो गया। और अगर ये संभव हो कि री इवेल्युएशन वाले लोग का, जो लोग री इवेल्युएशन के लिए अप्लाई करें, उनका ना कॉपी स्कैन करके दे दीजिए आप। क्योंकि देखिए, आप ये बताइए कि देखिए, आपने री इवेल्युएशन के लिए अप्लाई किया था, ज़्यादा पैसे भी दिए थे आपने, और आप इतना ही डिजर्व करते थे, तो ये रहा आपका कॉपी। अगर संभव हो तो उसको मेल कर दीजिए कॉपी कि उसको क्या मिला। जो लोग री इवेल्युएशन अप्लाई करें उनको कम से कम सबका संभव नहीं है, तो क्योंकि हम समझते हैं कि सब बहुत सारे नंबर में होते हैं, संभव नहीं है। री इवेल्युएशन को प्रोसेस को ना एकदम ट्रांसपेरेंट कीजिए, अगर प्रॉपर तरीके से स्टूडेंट को सेटिस्फाई कराना है तो। स्टूडेंट ना अब डिससेटिस्फाइड हो रहे हैं जैक बोर्ड से, दिक्कत आता है। वैसे में क्या होता है कि कोई स्टूडेंट अगर अच्छा परसेंटेज भी लाता है, मेहनत करके लाता है, लिख करके लाता है, तो भी ना लोग ये बात कर लेते हैं कि जैक बोर्ड का स्टूडेंट को ना कुछ भी नंबर मिल जाता है, सीरियसली नहीं लेते लोग। तो जैक को अगर ट्रस्टवर्दी होना है, ये सारा स्टेप को फॉलो करना ही चाहिए, ये सारी चीज़ें उसको इम्प्लीमेंट करनी ही चाहिए। और हम लोग जहाँ हैं वहीं से कोशिश किया जाए कि ईमानदारी से सब कुछ किया जाए, स्टूडेंट ईमानदारी से पढ़े, टीचर ईमानदारी से पढ़ाएं, जो लोग एग्जाम में लगे हुए हैं ईमानदारी से चेक करें, जो पढ़ के आया वही लिख पाए, जो नहीं पढ़ के आया वो मत लिखे, और जैक जो है वो अपना कॉपी प्रॉपर तरीके से चेक करे। मुझे लगता है कि जैक जो है कई पढ़ने लिखने वाले स्टूडेंटों का ना भविष्य मार दे रहा है। और अगर आप इस बात से एग्री करते हैं ना, स्टूडेंट हैं, अगर आप इस बात से एग्री करते हैं, आपके साथ भी ऐसा हुआ है, तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में अपना कंसर्न लिखिएगा। ये लास्ट वीडियो था ऐसा, इसके बाद हम लोग अपना पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड वीडियो स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, थैंक यू।